अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, खुश रहे। ये देख लीजिए, ओप्पो रियलमी में पहले हम कैसे FRP करते थे, *813 या 812 हैश करके करते थे, आजकल नहीं हो रहा है। एंड्राइड वर्जन 11 है, तो बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता दूंगा हम इसको गूगल अकाउंट कैसे बाईपास करेंगे, ठीक है, विदाउट PC। जो वीडियो मैंने आपको पहले बताई थी ना, ओप्पो रियलमी हम FRP कैसे करेंगे, तो वो वाला तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था जब हम चाइनीज़ लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसके बाद करते थे, तो उसके बाद अब नहीं हो रहा है। अब दूसरा तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, ओप्पो रियलमी जितने भी आपके पास होंगे उनको हम FRP बाईपास कैसे करते हैं, ठीक। वाईफाई कनेक्ट कर लो, चाहे सिम डालो जिसमें इंटरनेट चलता हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, ये रियलमी A8 प्रो है शायद। डोंट कॉपी पे क्लिक करता हूँ मैं। अगर आपको स्क्रीन लॉक पता है तो FRP बाईपास हो जाता, अगर नहीं पता, कोई कोई फ़ोन हार्ड रिसेट ऐसे ही हो जाता ना, फिर इसको FRP लगती है, तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जो ये मेल बता रहा है, अगर ये भी पता है, इसका पासवर्ड पता है, तो फिर भी FRP बाईपास हो जाता, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा हमने करना क्या। एक ही बार आप वीडियो को देखोगे, उसके बाद आप को कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक न्यू अपडेट नहीं आता, ठीक है। ऐसे मुझे आपसे बात करनी थी, मतलब जो पुराना वाला मेथड था वो किसी में काम करेगा किसी में नहीं, ये वाला हर किसी में काम करेगा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओप्पो रियलमी जितने भी है, FRP बाईपास आप ऐसे कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से ध्यान दे देना आप, ठीक है। जब हम यहाँ पे जाएंगे ना, इसको क्लोज करता हूँ मैं, जब यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, बस आपको मैं चेक करवा रहा हूँ एक बार, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। ये देखो यहाँ पे ईमेल और फ़ोन है ना, यहाँ पे क्लिक, ये रिकॉर्डिंग का बटन है ना, इस पर क्लिक करके देखो, नहीं ना बता रहा कुछ। अब हम क्या करते हैं, बैग जाएंगे जहाँ पे हम वाईफाई नहीं कनेक्ट करते, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे क्लिक कर लो, ये रिकॉर्डिंग पे, इस पर अब यहाँ पे क्लिक करो, दोबारा क्लिक करो रिकॉर्डिंग पे, इस पर फिर से क्लिक करो, तीसरी बार फिर उस पर क्लिक करो रिकॉर्डिंग पे, देखो क्या आ रहा है। चाहे यहाँ से अंदर जाओ मगर वहाँ तक जाओ, कहाँ पर, जहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मांगता है, वहाँ पर, जहाँ पर मैंने पहले चेक करवाया था आपको, ठीक, वहाँ पर आपने जाना। ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमने फिर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना, तब जाके हम यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर लो, बस यहाँ पे हमने परमिशन पे क्लिक करना, ठीक है। अब सर्च कर लो एप्स AWPS AWP, देखो ऐप लिस्ट आ गया ना, ऑल ऐप, ऐप लिस्ट पे क्लिक कर लो। यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस जो है उसको आप डिसेबल कर लो, प्ले सर्विस, स्टॉप करता हूँ मैं। अब स्टोरेज भी जाते हैं, पहले नंबर पे है ना, उस पे क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लियर डेटा करते हैं, बस काम ख़त्म। बिल्कुल इजी तरीका है ना, ये देख लीजिए, एंड्रॉयड वर्जन भी चेक करवा लूँगा सेटिंग में से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।